शांतिनगर पीलीभीत वर्सेस धनगढ़ी नेपाल मैच स्टार्ट होने वाला है और दोनों टीम मैदान में आ चुकी है और वार्म अप चल रहा है। इसके बाद शायद हमारे राणा क्लब का मैच हो, राणा क्लब के खिलाड़ी यहाँ पे भी खड़े हैं। शांतिनगर पीलीभीत वर्सेस धनगढ़ी नेपाल के बीच में अगला मुकाबला, काफी धुआंधार मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। ये बहुत ही बेहतरीन टॉस का क्या हुआ रेफरी हमको बताएं। धनगढ़ी रेफरी जल्द से जल्द मैच शुरू कराएं, बहुत सारी और टीम्स हैं जिनका मैच कराना है। काफी बेहतरीन नीरज मिश्रा जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पे आए। शांतिनगर पीलीभीत वर्सेस धनगढ़ी नेपाल के बीच में ये मुकाबला, यही तो है कल तो मैच खेला शांतिनगर पीलीभीत वर्सेस धनगढ़ी नेपाल के बीच में ये मुकाबला होगा दर्शकों के सामने बस कुछ ही क्षणों में। बेस्ट ऑफ थ्री 21 पॉइंट्स का जो कि शांतिनगर पीलीभीत वर्सेस धनगढ़ी नेपाल, दोनों ही टीमें काफी धुआंधार प्रदर्शन करती है। दोनों ही लाइन मैन हमारे जल्द से जल्द अपनी कुर्सी पे अपना आसन ग्रहण करें। ग्राउंड के पड़ोस आते जा रहे हैं वो थोड़ा दूर हो जाए। हमारे फर्स्ट लाइन मैन महेंद्र चौधरी काफी तगड़ा सहयोग कर रहे हैं। चैलेंज कप सीजन 9 टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या बढ़ते हुए और इसी के साथ सर्विस बहुत ही तगड़ा स्मैश नेपाल के द्वारा नेपाल की तरफ से जो है शांतिनगर के कोर्ट में शांतिनगर के स्मैश ने स्मैश किया लेकिन फाउल पकड़े गए। दो पॉइंट हो चुके हैं यहाँ नेपाल की सर्विस नेपाल की तरफ से और उन्होंने आसान सा पॉइंट दे दिया है शांतिपुर की टीम को और सर्विस शांतिपुर की तरफ से जो आई नेपाल के कोर्ट में और हल्की सी स्मैश ने हल्का सा ड्रॉप किया लेकिन शांतिपुर के खिलाड़ी ने उसको वापस वहीं पे नहीं है। सर्विस शांतिपुर की तरफ से रेफरी के विसिल के साथ में सर्विस और सर्विस वापस बूस्टर के पास गई है। स्मैश तैयार और बहुत ही तगड़ा स्मैश लेकिन इसी के साथ शांतिपुर का एक पॉइंट हो चुका है 3-2 और बहुत ही बढ़िया ड्रॉप किसी कारणवश बॉली ऐसी है कि लगी ऐसी है भाई लपकोंदी 5 बॉल लपकोंदी और बाला बढ़िया है तो बहुत बढ़िया स्मैश और माफ कीजिएगा 3-4 और सर्विस नेपाल की तरफ से बहुत बढ़िया स्मैश 5-3 बहुत ही बढ़िया स्मैश किया लेकिन अपनी टीम को 6-3 कोई भी टीम यहाँ किसी टीम से कम नहीं है और दोनों ही टीमें बहुत बढ़िया जौहर दिखाते हुए बहुत बढ़िया स्मैश उससे भी तगड़ा ब्लॉक नेपाल को इतने कंजूसे क्यों कर रहे हैं यार। इसी के साथ एक पॉइंट बढ़ता हुआ शांतिनगर का 7-4
बहुत ही बढ़िया स्मैश, उससे भी तगड़ा ब्लॉक शांतिनगर का, और एक पॉइंट अर्जित किया है शांतिनगर ने 8-4। यहाँ पे बहुत दूर दूर से दर्शक आए हैं इस मैच का आनंद उठाने, अपना काम धाम छोड़ के इस गेम को देखने आए हैं। 9 पॉइंट हो चुके हैं यहाँ शांतिनगर के, सर्विस शांतिनगर की तरफ से, जो कि बूस्टर ने बूस्ट किया, नेपाल ने आराम से उसको सम्मान के साथ दूसरे कोर्ट में भेज दिया है। और बहुत ही बढ़िया स्मैश, उससे भी बढ़िया ब्लॉक, और इसी के साथ दिशा भटक रहे हैं नेपाल के प्लेयर। 10-4, बहुत ही देर से रोका हुआ है शांति नगर के खिलाड़ियों ने नेपाल के खिलाड़ियों को, उनके पॉइंट बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और लगातार पॉइंट बढ़ता हुआ जा रहा है। उपेंद्र अगर जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, रामपुर के कप्तान अगर जो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें, बॉक्स में आने का कष्ट करें। इसी के साथ नेपाल का एक पॉइंट बढ़ता हुआ 5-11, 5 पॉइंट पे खेल रही है नेपाल, और 11 पॉइंट पे खेल रही है शांतिनगर। ये ड्रॉप एंड ड्रॉप, और इसी के साथ फाउल पकड़े गए हैं शांतिनगर के खिलाड़ी। 6-11, ये नेपाल वाले जो है इनका इंजन जोड़ा है बुलेट वाला है, वो धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो ये रुकते नहीं हैं। इस बात के गवाह यहाँ के दर्शक भी हैं, जो पिछली बार टूर्नामेंट देख चुके हैं। 7-11, और इसी के साथ एक पॉइंट और बताओ, 8-11, कंटिन्यू बढ़त बना रही है नेपाल की टीम, शांतिनगर को 11 पॉइंटों पे ही रोक के रखा हुआ है, एक पॉइंट बढ़ाते हुए शांतिनगर की टीम। ऋषि अगर जो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द, बहुत तगड़ा स्मैश, सुमेर नगर वर्सेस एसएस राणा क्लब गोला, दोनों ही टीमें जल्द से जल्द किटअप हो जाएं। बहुत ही बढ़िया कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे नेपाल के खिलाड़ी, और इसी के साथ 12 पॉइंट हो चुके हैं यहाँ पे शांतिनगर के। ऋषि बहुत ही बढ़िया, बॉल काफी देर से हवा में रुकी पड़ी है, देखते हैं कहाँ गिरती है, किसके कोर्ट में, और इसी के साथ एक पॉइंट और बढ़ता, 14-9 शांतिनगर, और 9 पॉइंट पे नेपाल। जितना तगड़ा स्मैश, उतना तगड़ा ब्लॉक, लेकिन स्मैश के आगे ब्लॉक नहीं टिक पाया, 10 पॉइंट हो गए यहाँ पे नेपाल के, और चकमा देने में कामयाब रहे शांतिनगर के खिलाड़ी, और एक पॉइंट चुरा लिया है धीरे से नेपाल से। 15-15। बहुत ही तगड़ा स्मैश, उतना ही तगड़ा ब्लॉक, लेकिन भाई इतना तगड़ा ब्लॉक किया, उससे भी डबल पावर से मारा स्मैश, और ब्लॉक फाड़ते ही बॉल ग्राउंड के बाहर। आसानी से एक पॉइंट यहां पे लिया है नेपाल की टीम ने, 12-15। अगला जो मैच है वो गोला वर्सेस सुमेर नगर के बीच होगा, 12। बहुत ही बढ़िया स्मैश, सब बहुत बढ़िया सर्विस, देखिए दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वहां से हट जाएं। खिलाड़ियों से हमारा अनुरोध है कि भैया थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। बहुत ही बढ़िया स्मैश नेपाल के द्वारा, गोताखोर वॉलीबॉल जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचाए, और सर्विस नेपाल की तरफ से जो कि पहुंची शांतिनगर के सेंटर के हाथों में, बूस्टर ने बूस्ट किया, वापस ब्लॉक लिया है इसको, और बहुत ही अच्छा स्मैश यहाँ नेपाल के प्लेयर द्वारा, बॉल काफी देर से हवा में, और मौका देखते ही
शांतिनगर के स्मैशर ने इसी के साथ एक पॉइंट और बचा हुआ। ये दर्शक धीरे धीरे घिसटते हुए जो ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे, तो इनसे मेरा निवेदन थोड़ा बाहर हो जाए, टीम बाहर करके इन्हीं लोग को खिलवा दे रहे हैं। 14-18 बहुत ही बढ़िया स्मैश, उससे भी तगड़ा ब्लॉक, लेकिन स्मैश में पावर था इसलिए ब्लॉक को चीरती हुई ग्राउंड के बाहर चली गई। और 20 पॉइंट इसी के साथ लास्ट पॉइंट गेम बॉल हो चुका है शांतिनगर की टीम का। अगर जो इस मैच में नेपाल की टीम को बने रहना है तो अपना दमखम दिखाना होगा। और पानी की बोतल अगर तो कोई लेके गया है बड़ी, तो भैया वो यहाँ कमेंट्री बॉक्स में दे जाए आके। 15-20 और इसी के साथ शांतिनगर की टीम ने ये सेट अपने नाम कर लिया है। ये भैया जो बैठे हुए हैं किनारे किनारे, ये हट जाओ। ऋषि अगर जो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स पे आए। ऋषि और गेम वापस पुनः स्टार्ट होता हुआ, इसी के साथ शांतिनगर का खाता खुलता हुआ, एक पॉइंट शांतिनगर का हो गया है। और सर्विस शांतिनगर की तरफ से नेपाल के बूस्टर ने बूस्ट किया, उसमें से नेपाल की तगड़ा प्रहार। और इसी के साथ एक पॉइंट और बढ़ता हुआ नेपाल, और ये सर्विस नेपाल की तरफ से 2-1। बहुत ही बढ़िया स्पैश और उतना ही अच्छा डिफेंस नहीं हुआ यहाँ पे। इसके बाद सुमेर नगर और एसएस राणा गोला 3-2। एक पॉइंट और मिलता सर्विस नेपाल की तरफ से, बहुत ही आसान सी सर्विस और उतना ही बढ़िया स्मैश, लेकिन शांतिनगर के खिलाड़ी क्राउड में वापस पहुंचते हुए। और सर्विस नेपाल की तरफ से, बहुत ही बढ़िया स्मैश, ब्लॉक थारू स्मैश 3-6। शांतिनगर इस समय 3 पॉइंट बना चुकी है, 6 पॉइंट पे खेल रही है नेपाल। बहुत ही तगड़ा स्मैशर है ये नेपाल का, जिसकी गेंदें रोक नहीं पा रहा है शांतिनगर के डिफेंसर। 7-3 और इसी के साथ एक पॉइंट बढ़ता हुआ। दर्शकों में उत्साहवर्धन आज देखने को मिल सकता, तालियों से स्वागत कर रहे हैं दर्शक। बढ़िया लाइनमैन, चुस्त फुर्त लाइनमैन हमारा, और आठे बहुत तेज था। शर्मा मवीरा 555 लगा 5-10 हो चुका है यहाँ पे स्कोर। ये नवदिया के जितने भी खिलाड़ी हैं भैया, एक मिनट के लिए भैया, एक पॉइंट और बताओ। और ये सवारी स्मैश और ब्लॉक फॉलिंग स्मैश, जिसके साथ 2 पॉइंट अधिक कर लिए हैं नेपाल की टीम ने। दर्शकों से अनुरोध है,
शांतिनगर की टीम नेपाल की टीम को 3-22-3 धीरे धीरे वापसी करवाते हुए अपनी टीम को। पिछले साल की सर्विस नेपाल की तरफ से जो कि पहुंची शांतिनगर के कोर्ट में, स्पेशल ने हल्का सा ड्रॉप डाला है, लेकिन चूंकि यहां पे नेपाल के खिलाड़ी, इसी के साथ एक पॉइंट बढ़ गया है शांतिनगर का 6-7। बढ़िया स्मैश यहाँ पे, दर्शकों का दिल खुश करते हुए गोविंद अपने स्मैश का जौहर दिखा रहे हैं, और जैसा नाम वैसा काम। ये जो गोविंदा हैं, इनसे पहले इनके साथी खिलाड़ी महेश खत्री खेला करते थे, ये उनकी जगह पूरी करवा रहे हैं, और उस तरीके से महेश खत्री जैसा गेम भी दिखा रहे हैं। 9-6, बहुत ही बढ़िया ब्लॉक, जितना अच्छा स्मैश उतना ही अच्छा ब्लॉक यहाँ पे नेपाल के द्वारा। यहाँ पे टाइम आउट लेती है शांतिनगर की टीम, डीजे वाले बाबू गाना बजाएं। 6-10, 6-10 पॉइंट है यहाँ पे नेपाल के, और 6 पॉइंट पे रोक लीजिए बॉल रोक लीजिए। जी हाँ, कोड चेंज होना है। और ये सर्विस नेपाल की तरफ से जो पहुंची शांतिनगर के कोर्ट में, और बढ़िया स्मैश वहां पे ब्लॉक पर स्मैश किया शांतिनगर के स्मैशर ने। बहुत ही तगड़ा स्मैश, उससे भी तगड़ा ब्लॉक वापस नेपाल की टीम में, बहुत ही बढ़िया स्मैश। फाउल पकड़े गए हैं यहाँ पर नेपाल के खिलाड़ी। हमारी के कमेटी के मुख्य सहयोगी वांटेड, जो कि बड़ी दूर से मैच का आनंद उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया ब्लॉक यहाँ पे शांतिनगर का। 9-10, धीरे धीरे पीछा करते हुए नेपाल के बराबर पहुंच रही है शांतिनगर की टीम। पॉइंट बढ़ता हुआ आसानी से दे दिया है पॉइंट शांतिनगर की टीम ने नेपाल की टीम को। ग्यारह 9, हमारे स्कोर स्कोरिंग के साथ साथ खाने का भी लुत्फ उठा रहे हैं। 12-9, हो चुके हैं यहां पे स्कोर। हमारी अगली जो टीम है वो तैयार होके किटेच होके आ गई है। दोनों ही टीमें बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रही हैं एक दूसरे को, लेकिन शांतिनगर के जो सर्विस मैन है वो कह रहे हैं ना, मैं सर्विस से गेंद क्रॉस करूंगा ही नहीं। मौज में उन्होंने 14 पॉइंट करवा दिए नेपाल के। फाउल पकड़े गए यहाँ पे नेपाल के खिलाड़ी, इसी के साथ एक पॉइंट बढ़ता हुआ शांतिनगर का 13-14। ये 7 नंबर का खिलाड़ी जो है अपना नाम बता दे। अभी जो जिनकी कमी हमारी नेपाल की टीम को, इनके प्लेयरों की कमी महसूस हो रही है, डब्बर महेश खत्री जो कि इनका पूरा सेट आता था, लेकिन उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं गोविंदा। पकड़े गए हैं यहाँ पे शांतिनगर के खिलाड़ी,
इसी के साथ एक पॉइंट बढ़ता हुआ नेपाल का 17-13 बढ़ता हुआ दोनों ही टीमों में। बहुत ही बढ़िया स्मैश, उससे भी तगड़ा ब्लॉक नेपाल का और नेपाल के ब्लॉक को फेंक नहीं पाए शांति मिलने की खिलाड़ी। 14 का स्कोर। ये जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी ये जो ग्राउंड में आ गया है, कमेटी से निवेदन है कि इसको बाहर करें। फिलहाल खिलाड़ी समझदार था, खुद ही बाहर चला गया। 19 20 पॉइंट यहां पे नेपाल के हो गए हैं और 10 पॉइंट देखते हैं क्या होता है। शांतिनगर वापस जगह बनाने में कामयाब रहती है नेपाल के हाथों। कम खिले तगड़े खिलाड़ी शांतिनगर के भी नहीं है। उसी के साथ सर्विस शांतिनगर की तरफ से 15 पॉइंट हो चुके। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि सर्विस मैन बोल लेता मैं सर्विस से बॉल पास नहीं करूंगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों ही टीमों के लिए।